Ali and Jesse, hi, आपके ठीक सामने यहाँ. Hi, दो happy हैं स्टेज पे. अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वो आप happy नहीं हो? मैं भी happy हूँ. हाँ? नहीं, मैं तो हूँ ही. आप भी हो ना happy? हाँ जी, बिल्कुल. Life में happy हो ना? बिल्कुल. हाँ तो बस. मैं film की बात कर रहा हूँ. अगर ये दो happy के साथ, अगर किसी एक हैप्पी के साथ में भागना हो तो किसके साथ भागना पसंद करेंगे आप? अपनी अपनी के साथ भागेंगे. एक दूसरे की लेके क्यों भागेंगे? आपने तो 3 का प्लॉट दे दिया मुझे. लवली. एक दूसरे की लेके भगा दूं 3 में? बहुत ही कलेशी आदमी है यार तू. हाँ बट आज आप हैप्पी को ढूंढने भी गए थे तो आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ सर्च किया और कहीं मिली कि नहीं मिली आपको? भाई हर जगह हो गया वो, बस हर जगह गई है बॉम्बे में. मेरी तरफ मत देख. यू टुक इट प्लीज. नहीं अरे तू इट स्टीयर कर रहा था. नहीं मैं पूरा बॉम्बे आज शेयर कर ली है. हैप्पी साथ ही में थी मेरे. मेरी मेरी मुझे ज्यादा दुख नहीं हो रहा था. इन लोग का थोड़ा इशू था, वो अभी सॉल्व हो गया है. मतलब हो जाएगा सून. 3 मिनट का भी ट्रेलर है. मतलब ये है कि हैप्पी अभी इधर भागी है. पार्ट 1 में भागी थी, पकड़ में आ गई, शादी हो गई, सब हो गया. इधर क्या होगा पता नहीं है. अभी चाइना तक गए, वीजा लगा है बॉस. उधर भी लगा था वैसे. हाँ तो ये ऐसा है कुछ. मुदस्सर जी बोल भाई, गा दे तू, गाना गा दे. मैंने गा दिया. जसी, so this is what you have to say. Jesse used to sing a lot of songs with Jimmy Paji. Because he's a big fan of Jimmy Paji. Jimmy Paji की movie के सारे गाने Jesse को याद है. और जैसे उनके लिए बहुत सारे गाने गाता था याद है, लेकिन हम गाड़ियों बैठे जब बैठे थे. यार ऐसे मत करो. अभी जिम्मी बाजी खुद पंजाबी हैं, वो exactly. खुद पंजाबी गाने गाते हैं, खुद भी सुनते हैं वो. बट यू आर अ बिग फैन. जिम्मी बाजी जब मैं कॉलेज में था उस टाइम का एक फिल्म आई थी यारा ना बहारा, जो पंजाबी मतलब उस टाइम सबसे बड़ी फिल्म थी वो. हाँ. तो हमने बड़ी देखी. उनके पास करिश्मा बाइक था जो वैसे हर... जिमी सर कोई बात अच्छी नहीं लगेगी अगर आप बोलोगे. हाँ, मैं नहीं बता. आप कॉलेज आप कॉलेज में थे और उसी फिल्म नहीं चक्कर है. मैंने कॉलेज इसलिए बोला. जसी भाजी को पता है कि जिमी भाई यहाँ है नहीं तो ये सुना देता हूँ. यहाँ हो तो सुना नहीं पाते वो. ये जिमी सर के सामने नहीं बोल पाते. नहीं पर लोगों को सबको पता है वो देखने में अभी भी कितने यंग है. मतलब कोई उसमें डाउट नहीं है. पकड़ा पकड़ा. तो वो बाइक थी उनके पास. तो जब मैं तो मेरा ये ड्रीम था कि मेरे पास भी ऐसी बाइक हो. तो तब से देखते आ रहे हैं. जब उनके साथ होते थे तो उनके पुराने वो टाइम की वो फिल्म की बातें गाने सब ऐसे ही गाते रहते थे. तो चलता रहता वैसे तो. मुदस्सर जी सेंटर में जी, जब आप 1 बना रहे थे तब कुछ माइंड में था कि 2 लाएंगे? क्योंकि तभी 3 की बात बार बार हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि 3 कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि 2 हिट हो जाएगी तभी 3 भी लेकर आएंगे. बाल सफेद हो जाएंगे सारे. नहीं, टू आंसर योर क्वेश्चन, जब मैं 1 लिख रहा था या बना रहा था तो जैसा मैंने अभी किसी से कहा, हम एक बहुत छोटा प्रयास कर रहे थे. जब हमने 1 लिखी थी हमको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मोहब्बत इतना प्यार ऑडियंस से हमको मिलेगा. उस चीज़ ने हमको उसने हमको ऑलमोस्ट कंपेल किया कि हम उस ऑडियंस से दोबारा रابطہ कायम करें. तो 1 लिखते वक्त या बनाते वक्त मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं 2 करूँगा. इस वक्त ये बताना ज़रा सा मुश्किल है कि है या नहीं है या क्या है दिमाग में, मगर लेट्स लीव इट टू दैट. लेट्स आई मीन दिस इज़ द मोमेंट फॉर 2. सो यू नो ये ऐसा इधर थोड़ा चलन भी देखा जा रहा है कि फिल्म हिट हो जाती है एक तो उसका पार्ट 2 आ जाता है. इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर क्या हैप्पी को उतना प्यार नहीं मिलता 1 को तो 2 आती? मेरा ख्याल है ये बहुत ना एक्चुअली फिल्म मेकर्स का एक बड़ा पर्सनल सा स्पेस होता है. जैसे राय साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो हम कई बार ना एज फिल्म मेकर्स एक कहानी को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं और बना लेने के बाद भी हमको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हमारे अंदर रह गया है. तो वो दोबारा कहने का मन करता है. इट्स अ वेरी पर्सनल स्पेस. नाउ आई एम द लास्ट पर्सन टू बी एबल टू कमेंट ऑन व्हाई अदर पीपल मेक सीक्वल्स, बट फॉर मी दैट रीज़न इज़ वेरी क्लियर. एक कहानी जब आपसे दोबारा आपसे बात करती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये आपको दोबारा बोलना चाहिए, that should be the only one and the primary reason to make a sequel. Hi Sonakshi, mera Sonakshi idhar. Hello. Mera prashn aapse ye hai ki is film mein kaun se aise scene mein aapko bahut zyada acha maza aaya, aur Anand ji se aapse prashn hai ki is baar aap China hi kyun gaye? Pehle aap ji. Mujhe ye pura film karte waqt bahut puri film karte waqt bahut maza aaya, kyunki har scene itni khoobsurati se likha gaya hai. कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमर है अगर ना चाहते हुए भी.
इस तरह का ह्यूमर है जहाँ पर आप मतलब अगर वो सिचुएशन भी ना हो तो कहीं ना कहीं आप उसमें ह्यूमर ढूंढ सकते हैं, विच इज द ब्यूटिफुल राइटिंग ऑफ मुदस्सर अजीज. तो पूरा फिल्म ही बहुत ही मजेदार था. जैसी आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. हाँ, इसका जवाब मेरे ख्याल से आ चुका था पहले, पर हाँ मैं दोबारा दे देता हूँ कि वन में वो पाकिस्तान थी, टू में ये चाइना है. हमारी कोशिश सिर्फ यही रह रही है इसमें कि जहाँ पे भी हमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है उधर हैप्पीनेस फैला दें. पीयूष जी, आपके सामने आप कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्योंकि हम देखते हैं आप फिल्मों में बहुत इंजॉय करते हैं लेकिन ऐसे रियल लाइफ में बहुत शांत रहते हैं. नहीं, खूब एंजॉय करता हूं, ऐसी बात नहीं. नहीं नहीं, मैं सब लोग बात कर रहे थे, कैसी इमेज बनाई है, देखो रियल लाइफ में वो शांत इसलिए उनके पार्टनर इन क्राइम यहां पे नहीं ना. ये गलत फहमी कहां से आई आपको, ये कहां रियल लाइफ में शांत रहते हैं, कुछ नहीं रहते क्या बताऊं. किस तरह का किरदार होने वाला. अरे था, देखा नहीं आपने पिछले हैप्पी वन में वो जो था कैरेक्टर वही है, वो थोड़ा रबड़ कर दिया गया उसको और खींच दिया गया. तो जो उस्मान अफरीदी था वही है. अब इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि ही इज उस्मान अफरीदी आफ्टर द रिटायरमेंट. तो उसके बाद में है उसका, वो आगे चलता है, आगे चल के उस फिर हैप्पी से मिलता है. उसके बाद आप देखिएगा पिक्चर में क्या होता है. उस्मान इज द मान. जस्सी एंड कृषिका जी, आपके सामने कुछ आप बताइए कि क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, आप प्रोड्यूसर हैं, तो सेकेंड पार्ट से भी उतने कलेक्शन की उम्मीद करती हैं, उतनी अच्छी उम्मीद करती हैं? ऑफ कोर्स, एज अ प्रोड्यूसर वही उम्मीद करती हूँ कि बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट वैसा ही हो जैसे फर्स्ट का है, बिकॉज इस बार हम डबल धमाल लेके आए हैं. दोनों ब्यूटीफुल हैप्पी सोनाक्षी एंड डायना आर देयर इन द फिल्म. सो आई एम श्योर ट्रेलर देख के सबको अब मज़ा आया है. आई कुड सी द रिएक्शन. तो वही हम देखना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कैसे हो रहा है. And just I have a question for you. Finally, how is it different working on a Punjabi film and a Hindi film? Sets pe kitna difference hota hai? Difference to hai because Punjabi industry abhi thodi nayi hai, aur wahan pe jise bolte hai budget bahut limited hota hai, aur yahan ka sab kuch managed hota hai, sab kuch matlab mujhe yahan bhi limited hi hota hai. Par Punjab ka isse bhi limited hota hai. Bolne dena, bolne dena. To wahan pe. अच्छा लग रहा है, अच्छा. अच्छा, कोई तारीफ कर रहा है, बोलने दे यार. सो अभी मेरी पहली फिल्म है जो अभी तक मैंने फील किया यही किया है, क्योंकि वो पंजाबी इंडस्ट्री थोड़ी नई है अभी, पर वहाँ पे भी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी और ज़्यादा ऐसे प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी कम है वहाँ पे. मैंने अभी 4-5 फिल्में की हैं पंजाबी इससे पहले, तो मुझे यही डिफरेंस पता चला अभी तक. पर अभी धीरे धीरे आगे करूँगा नेक्स्ट फिल्म में, तो जो मुझे फील होगा मैं आपको बताता जाऊँगा. ऑल्सो भी हम लोगों ने आपको एकदम मस्त वाली चाइनीज मैंडेरियन बात करते हुए सुना है, थोड़ा सा कुछ डायलॉग याद है तो. निहाओ वो दनिंग जुशी खुशवान सिंगे. ओके, आई नो समथिंग इन मैंडेरियन व्हिच आई वांट टू से फॉर यू. वो आईनी, डू यू नो व्हाट इट मींस? वो आईनी, वो नहीं आई. I love you. It means I love you. Meri, oh, thank you. Love you too. Oh, I thought she's talking about Jimmy Paji. Wo aaye nahi. Okay, last question. Last question. Last question. Tu kahani puchi tune puri. Haan ji, kya kare? Hai na. 35th question last kaise ho sakta hai? Wait, 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 wait. Dana ji, do happy hai is film mein, to kitni bonding hogi? Kitna happiness hoga? Kitna war hoga? Kuch bataiye zara, kuch andar. Double happiness. Aapko to kya war hi chahiye na? Haan, bas war hi chahiye. One more thing to war. Apart from you two, he's another one who is supporting Color Yellow. Haan, of course. That's why I asked him, no, aap bhi happy hai. Nahin, bahut, bahut maza aaya hum dono ko. In fact, I was looking forward to working with Diana also, kyunki maine jab pehli film dekhi, mujhe bahut pasand aayi. All of them, Jimmy sir, Piyush ji, Mudassar, Diana, Ali. Matlab film dekhte hi, matlab dil jo khush ho jata hai na, waisi wali film thi. And I was sure ki ye film bhi aise hi banegi. And truly, we've just had a wonderful time shooting. And I couldn't be happier that Sonakshi was the one to play happy in this film, because she's just really nice. Thank you. And chilled out and just sweet and full of happiness. So it fit perfectly. इसके लिए फिल्म देखने तुम जरूर जाओगे, अब मैं नहीं बता रहा. बड़ा अच्छा सवाल है वैसे आपका, लेकिन है फिल्म में जवाब. इसका जवाब मत दे देना कभी तो. नहीं, कभी तो बीवी के बाहर जाना, कभी तो है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच.
Thank you to each one of you. Thank you. Photo. Thank you.
गजल सब हाँ।